और भी जनता की हाल चाल ने, गुड मॉर्निंग सारे नु। सुबह के 6 बज रहे हैं भाई मेरे यहाँ पे, और अभी मैं जा रहा हूँ होंडा के शोरूम, होंडा बिग विंग। ये मेरी लाइफ की दूसरी बड़ी ग्रुप राइड है, पहली ग्रुप राइड भी होंडा वालों के साथ ही थी कुछ 3 हफ्ते पहले। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई व्लॉग क्यों नहीं बनाया उसका, तो यार इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बनाया तो था बट उसमें गोप्रो मैंने ऐसे एंगल पे लगा दिया कि सिर्फ और सिर्फ आसमान दिख रहा है ऐसा तो वो सारा व्लॉग चौपट हो गया। ये मैंने जुगाड़ ट्राई किया है, अभी ये जो विंड रिफ्लेक्टर है नया मंगाया है, चाइना से आया है। अब हम जा कहाँ रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले आपको थोड़े नज़ारे दिखाता हूँ होंडा टॉप लाइन के। अरे यार मेरा मन कर रहा है इसको ना उतार के फेंक दूँ अभी एकदम से, पर कुछ कर नहीं सकता इसका क्योंकि उतार के रखने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। स्कोडा ऑक्टेविया का रंग देख रहे हो, बड़ा सुंदर सा लग रहा है जैसा भी है, आई लाइक दिस कलर। आई एम प्रिटी श्योर गोप्रो में आपको भी ये जुगाड़ इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि इट अफेक्ट्स द विजिबिलिटी क्वाइट अ लॉट एंड दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम फॉर मी ऑल्सो। ऊपर से विंड ब्लास्ट यार मुंह पे आता ना, अच्छी हवा लगती है तभी मज़ा आता है मोटरसाइकिल चलाने का। ये आधी हवा रोक देता है और थोड़ी थोड़ी सिर पे मारता है जो बहुत इरीटेटिंग लगती है वैसे भी। चलो जी हाँ देखो जी, ब्लैक 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 अफ्रीकाज, बहुत मस्त 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 बाइक आ रखे हैं। ओए होए 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 होए, चलो जी इत्थे ला देने आप अपना मोटरसाइकिल। चेक करो जी बाइक्स का लाइनअप, बहुत सारी बाइक्स ये रही अपनी अफ्रीका, मस्त गंदी हो रखी है। ये दनाली की लाइट्स लगी हुई हैं इसमें, काफी अच्छी लाइट्स आई हैं अभी वैसे, पर महंगी बड़ी हैं। यार ये CB650s के जो मजेदार एग्जॉस्ट है ना अगर आपको बैंगलोर का थोड़ा बहुत आइडिया है तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बाद अपन खड़े हैं, और कुछ लोग बहुत ही जल्दी पहुंच गए तेज़ तेज़ चला के, तो वेट कर रहे हैं सारे ग्रुप की। अपेरेंटली यहीं कहीं पे तो इकट्ठे होना था। दिस इज़ होसुर रोड एंड ये रोड मेरी बहुत ही फेवरेट रोड है, मैं यहाँ पे मतलब हर हफ्ते जाया करता था एक टाइम पे, बट जब से कोविड का सीन हुआ है बॉर्डर क्रॉसिंग्स मुश्किल हो गई हैं बेसिकली। यहाँ पर सीधा तमिलनाडु है तो बॉर्डर क्रॉसिंग्स का पता नहीं लगता, कभी रोक लेते हैं कभी कुछ कर लेते हैं, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा पंगे लिए नहीं इस रोड पे जाने के काफ़ी टाइम से। बट अब क्योंकि पूरी ग्रुप राइड जा रही है इसका मतलब है कि रूल्स रिलैक्स हो चुके हैं, तो अब मैं बहुत खुश हूँ। कोई 6-7 महीने पहले आया था यार इस रोड पर, भाई साहब मैं 50वीं बार बोल रहा हूँ शायद अभी, ये विंडस्क्रीन मेरे को बहुत दुखी कर रही है यार। इस हाईवे का कह लो मज़ा ही यही है कि ट्रैफिक के बीच में चलाना होता है नाइस साउंड, कुछ ज़्यादा ही लाउड है वैसे देखा जाए तो, बट ठीक है। तो इस हाईवे का मैं कह रहा था फ़ायदा या नुकसान या जो भी कह लो, इसका फ़न यही है कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों के बीच में चलाना पड़ता है, और मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही है चलाने में बिकॉज क्या अजीब हो रखी है यार विजिबिलिटी इसके चक्कर में।
ये रही मेरी डर्टी अफ्रीका ट्विन एंड लुक एट दिस, एकदम साफ सुथरी चमकती हुई। ज़रा बताओ मेरे को आपको कौन सी बेटर लग रही है देखने में? आई लाइक द शाइनी वन, बट दिस इज़ व्हाट एन एडवेंचर बाइक इज सपोज टू लुक लाइक। या बट हाँ, मुझे लगता है मैं आज इसको वॉश करवाऊँगा, बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही है अभी। जस्ट हैव अ लुक, कितने सारे बाइक्स आए हैं। आई होप कैमरा एंगल ठीक ठाक आ रहा होगा। हुलिया कैसा मुझे पता नहीं, ज़रूर शक्ल पे मिट्टी विट्टी गिरी होगी। तो जा रहे हैं अंदर ब्रेकफास्ट करने। एंड द फन थिंग इज़ दैट इस बार होंडा की ग्रुप राइड पे पिछली बार से अलग ही लोग आए हैं। लाइक 3-4 लोग होंगे जो सेम है पिछली बार से, बाकी सब अलग आए हैं। तो नाइस टू सी एंड मीट न्यू पीपल एज़ वेल। और इस जगह मैं पहले नहीं आया कभी खाने, हालांकि बहुत ज़्यादा फेमस है, राइडर्स वगैरह के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो एक बार इसका फसाद देख लो बाहर से, व्हाट इट लुक्स लाइक, एंड देन वी विल गो इनसाइड एंड हैव सम ब्रेकफास्ट। जब तक फिल्टर कॉफ़ी नहीं ना मिलेगी, ब्रेकफास्ट इज़ इनकम्प्लीट। बाकी जनता सारी उठ गई है, खड़ी हो गई, बाहर जाने को तैयार होगी। आई हैव नो आइडिया सब इतनी जल्दी में क्यों है। होपिंग कि गोप्रो में बैटरी इनफ हो, सो आई एम राइडिंग दिस बाइक फॉर अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर के लिए चलाने वाला हूँ मैं। एंड इस बाइक की खासियत क्या है वो मैं आपको चलाते चलाते बताऊँगा। इसमें लगा है एक्रोपोविच एग्जॉस्ट, इट साउंड्स इनसेन बाय द वे। काफ़ी अलग सा सेटिंग पोस्चर है यार इसका, बिकॉज हैंडल बार राइजर लगा है एंड सीट भी लो पोजिशन पे है, बट द एग्जॉस्ट मैन, इट साउंड्स लाइक अ बिग बाइक। और इसका भी हैंडल बार थोड़ा बेंट है बाय द वे, आई कैन फील दैट। गुड स्टफ मैन, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो मैंने क्या रियलाइज किया, मैंने ये रियलाइज किया कि विंडस्क्रीन जो मर्जी लगा लो बहुत ही फुद्दू है, उसमें जितना विंड ब्लास्ट आता है भाई मैं तो ना चला पाऊँ, हिलता रहता हेलमेट उसमें भी। तो चाहे ये हो चाहे वो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, सब विंडस्क्रीन फुद्दू हैं। तो मैंने जो अपने हिसाब से काफ़ी सेटअप कर लिया है इस बाइक का, आई रियलाइज कि यार दिस फील्स मच बेटर। ओनली थिंग दैट वाज बेटर ऑन दैट मोटरसाइकिल वाज द एग्जॉस्ट। अब उस एग्जॉस्ट की भी आई थिंक ट्यूनिंग कुछ बेटर हो सकती है, इट वॉज नॉट साउंडिंग वेरी स्मूद, कुछ तो उसमें था पंगा। दिस बाइक विदाउट द विंडस्क्रीन, जैसा आपने गोवा के व्लॉग्स में देखा, परफेक्ट सेटअप भाई, परफेक्ट सेटअप। अब आराम आराम से वापस जाएंगे, मैं सुनता हूँ गाने, आप थोड़ी देर इस हाईवे का नज़ारा लो। तमिलनाडु के हाईवेज आर लिटरली द बेस्ट इन द कंट्री, बहुत सारे अच्छे हाईवेज हैं बट तमिलनाडु के हाईवेज बेस्ट हैं। को रह गए ओनली 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर आर रिमेनिंग। अब जैसे जैसे शहर के पास पहुंचते जाएंगे रश बढ़ता जाएगा, बैटरी डेड है जी गोप्रो की, ये बंद हो जाएगा खुद ही 1 सेकंड में। तो ठीक है, अब गोप्रो की फुटेज आज के लिए इतनी ही, अब घर जाके मिलता हूं आपको। हाँ जी, तो मैं राइड से वापस आ चुका हूं। सब पता नहीं क्यों आज इतनी जल्दी में थे कि
कि खाना खाते ही सब उठ गए और निकल गए। मतलब मैं अगर अकेला जाता तो इससे एटलीस्ट एक दो घंटा एक्स्ट्रा स्पेंड करता, फिर भी क्योंकि ग्रुप राइड था तो ऑफकोर्स उसका अलग एक चार्म रहता है, उसका अलग एक मज़ा रहता है। उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा। इफ़ यू इन्जॉयड वट एवर यू सॉ देन मेक श्योर हिट द थम्स अप बटन, सब्सक्राइब बटन दबा लेना। अगर बहुत ज़्यादा मज़ा आया तो बेल आइकॉन भी दबा लेना। अगर और भी ज़्यादा मज़ा आया तो शेयर बटन भी दबा देना। अगर और भी ज़्यादा मज़ा आया तो पानी की बोतल भर के फ्रिज में रख देना, ठंडी ठंडी मस्त पीना। और भी मज़ा आया तो जो मर्ज़ी करना कर लेना लाइफ में। मैं आपको मिलता हूँ अगले व्लॉग में। बाय बाय।